Hello beautiful babes out there, welcome back to my channel, it's makeover time. I hope you all are safe and doing great. So in today's video I am going to share, actually this is one of the most requested video of my channel. If you are looking for a video like how to clean your makeup brushes like a pro at home, step by step, quickly and easily and the right way, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंचे हैं। मैं सारी चीजें आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने मेकअप ब्रशेस को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। वैसे तो मैं चाहूंगी कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखें, बट स्टिल मैंने आपकी एक ईज के लिए टाइम स्टैम्प शेयर कर दिया है कि किस तरह से आपको मेकअप ब्रशेस की क्लीनिंग करनी है, मेकअप ब्रशेस की क्लीनिंग क्यों ज्यादा जरूरी है, किस तरह से आपको स्टोर करना है, किस तरह से इन्हें ड्राई करना है, एवरीथिंग आई विल शेयर इन दिस वीडियो। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। ओके, सो इंट्रो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सारे ही मेकअप ब्रशेस मैंने क्लीन किए हैं, इनके अलावा और भी हैं। सो इस वीडियो में आप देखोगे किस तरह से मैंने इन्हें डीप क्लीन किया है। सो मेकअप ब्रशेस की क्लीनिंग होती है दो तरह से। फर्स्ट वन इज स्पॉट क्लीनिंग, जिसे मैं किसी और वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। जनरली जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पॉट क्लीनिंग, या अगर आपके पास कम मेकअप ब्रशेज हैं एंड अगर आपको तुरंत तुरंत ही मेकअप ब्रश की नीड हो तो आप किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। सो स्पॉट क्लीनिंग मैं किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ डीप क्लीनिंग किस तरह से करनी है। सो इन सारे मेकअप ब्रशेस की मैंने डीप क्लीनिंग की है एंड यस, अगर आपको ये पसंद आ रहा है मेकअप ब्रश स्टैंड, तो ये मेरा DIY है, आप इसका वीडियो देख सकते हो। मैंने इस तरह के और भी मेकअप ब्रश स्टैंड आपसे शेयर किए हुए हैं DIY। मेकअप ब्रशेस की टाइम टू टाइम क्लीनिंग क्यों जरूरी है? कभी आपने सोचा है, आपने महंगे वाले ब्रांडेड वाले मेकअप प्रोडक्ट्स अप्लाई किए हुए हैं, आपने बहुत अच्छा मेकअप किया है, बट वो पार्लर वाला फिनिश नहीं मिल पा रहा है, आपका मेकअप लुक जो ओवरऑल है वो फ्लॉलेस नहीं दिख रहा है, या नेक्स्ट डे आपको फेस करने पड़ गए हैं एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम, ब्रेकआउट्स हो गए हैं आपको, या आपने मेकअप लगाया है थोड़ी देर के बाद आपको नोज के अराउंड या फेस में कहीं पे भी टाइनी बम्स देखने मिल रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है आखिर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मेकअप ब्रशेस क्लीन नहीं है, डर्टी है, आपने उन्हें टाइम से क्लीन नहीं किया हुआ है या काफी टाइम हो गया है उन्हें क्लीन हुए। जो हमारी स्किन होती है उनमें होती है डेड स्किन, तो वो ट्रांसफर हो जाती है किसमें, मेकअप ब्रशेज में। उनमें सीबम भी होता है, डस्ट होती है, डर्ट इम्प्यूरिटीज होती है एंड प्रोडक्ट बिल्डअप भी होता है उनमें, ग्राइम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इनकी वजह से एक्ने पिंपल ब्रेकआउट्स का इश्यू हो जाता है एंड कभी कभी इचिंग इरिटेशन भी होती है एंड आपके मेकअप ब्रशेज में ना मेकअप रेसिड्यूज भी रह जाते हैं, जिनकी वजह से आपके मेकअप लुक में ना कहीं कहीं आपको स्पॉट्स भी देखने मिल जाते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं डर्टी मेकअप ब्रशेज की वजह से होती हैं। अगर आप अपने मेकअप ब्रशेज टाइमली क्लीन नहीं करते हो तो नेक्स्ट जब आप क्लीनिंग करोगे इनकी, तो वो प्रोसेस काफी टाइम टेकिंग भी हो जाएगा एंड बोरिंग भी, और इनमें आपको देखने मिलेगा डिस्कलरेशन का प्रॉब्लम। अगर आपके मेकअप ब्रशेज के जो ब्रिसल्स हैं वो लाइट कलर के हैं, लाइक ये जो मेरे पास है वेट एंड वाइल्ड का ब्रश है, इसके व्हाइट एंड पिंक कलर के ब्रिसल्स हैं एंड जो नेक्स्ट है मेरे पास ये कलर बार का ब्रश है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्राउन एंड गोल्डन इसके ब्रिसल्स हैं, बट थोड़े टाइम के बाद मैंने देखा जब इन्हें काफी टाइम हो गया वॉश करने में, क्लीन करने में, तो इनमें डिस्कलरेशन मुझे देखने मिला। पहले इसके जो ब्रिसल्स थे काफी शाइनी थे, सॉफ्ट थे, बट अभी काफी फेड हो चुके हैं ये एंड जो पहले इसका कलर था वो एक्चुअल में भी आ नहीं पाया। तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि टाइमली मैंने क्लीन करूँ। मेकअप ब्रशेस के रेगुलर बेसिस पे यूज करने और उनकी क्लीनिंग ना करने से उनके ब्रिसल्स में प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाता है, स्पेशली आप अगर फाउंडेशन यूज करते हो, क्रीमी कंसीलर यूज करते हो, तो उस केस में तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है। और आप देखोगे कि मेकअप ब्रश के ब्रिसल्स ऑयली होते जा रहे हैं एंड आपस में स्टिक होते जा रहे हैं, तो वो सही से प्रोडक्ट को पिक भी नहीं करेंगे और ना ही अप्लाई एंड ब्लेंड करेंगे, आपका मेकअप पैची दिख सकता है। आपको लगेगा कि हमें फ्लॉलेस मेकअप वाला लुक क्यों नहीं मिल पा रहा है, हम क्यों अचीव नहीं कर पा रहे हैं आखिर, और ब्रिसल्स के ऑयली हो जाने की वजह से वो और भी ज्यादा प्रोडक्ट बिल्डअप एंड डस्ट डर्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पोर्स क्लॉग होने लगते हैं, एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मेकअप ब्रशेज आपके लॉन्ग लास्टिंग हो, आप उनकी लाइफ बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि मैं कंसीडर करती हूँ कि अच्छे मेकअप ब्रशेज जब भी आप परचेज करते हो तो वो एक इन्वेस्टमेंट होता है, सो इस वजह से आपको अपने मेकअप ब्रशेज की टाइम टू टाइम प्रॉपर डीप क्लीनिंग करते रहना चाहिए। कभी कभी डर्टी मेकअप ब्रशेज से बैड स्मेल भी आने लगती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइजीन मेंटेन करना एंड जो इसके ब्रिसल्स होते हैं उनमें सॉफ्टनेस की जगह हार्डनेस आने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम मैंने इस ब्रश को यूज किया था एंड कोई डार्क शेड मैंने पिक किया था आई मेकअप के लिए, एंड अगर मैं इसे यूज करना चाहती हूँ, कोई लाइट शेड में पिक करना चाह रही हूँ, बट मैं यूज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इसमें रह जाएंगे कुछ मेकअप रेसिड्यूज जो मैंने डार्क आई शेडो यूज किया था उसके, तो जो मैं अब आई शेडो यूज करने वाली हूँ लाइट कलर का वो प्रॉपरली पॉप आउट होकर दिखेगा नहीं, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मेकअप ब्रश को क्लीन करना। और वैसे भी कहा जाता है क्लियर स्किन इक्वल टू क्लीन मेकअप ब्रशेस, सो इफ यू वांट टू कीप योर स्किन एज हेल्दी एज पॉसिबल, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है टाइम टू टाइम मेकअप ब्रशेस की क्लीनिंग करना। अब देख लेते हैं कैसे इन ब्रशेस को क्लीन करना है। तो इसके लिए हम बनाएंगे अपना DIY मेकअप ब्रश क्लींजर।
सारी चीजें आपको घर पे अवेलेबल मिलेंगी और बहुत इजी है इसे बनाना। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक शैम्पू, आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हो जो माइल्ड सा हो। मैं ले रही हूँ बेबी शैम्पू, आप चाहे तो कोई माइल्ड सोप ले सकते हैं, हैंड वॉश ले सकते हैं, बॉडी वॉश ले सकते हैं। आजकल तो वैसे भी पैंडेमिक की वजह से काफी अच्छे एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉशेज अवेलेबल है मार्केट में, सो आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आप एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश यूज कर रहे हैं ना, तो आपको किसी भी अदर डिसइंफेक्टेंट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वही सारे बैक्टीरिया एंड जर्म्स को किल कर देगा। इसके बाद हमें चाहिए होगा कोकोनट ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, लाइक आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और बहुत ही कम अमाउंट में मैं लूंगी, अगर मैंने बेबी शैम्पू लिया है 2 टीस्पून के अराउंड, तो मैं लूंगी 1/4 टीस्पून कोकोनट ऑयल। ये हमारे मेकअप ब्रशेस के ब्रिसल्स को काफी अच्छी तरह से कंडीशन करेगा एंड जो भी उसमें नॉन वाटर प्रूफ प्रोडक्ट्स है एक्यूमुलेटेड, वो काफी अच्छी तरह से मेल्ट होने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा, तो हमारे जो मेकअप ब्रशेज है वो प्रॉपरली क्लीन हो जाएंगे। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल की जगह पे कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं, थोड़े से अमाउंट में आपको कंडीशनर मिलाना होगा। नेक्स्ट मैं लूंगी एक बाउल में ल्यूकवॉर्म वाटर, गुनगुना पानी। आपको कोल्ड वाटर नहीं लेना है और हॉट वाटर नहीं लेना है। अगर आप हॉट वाटर यूज करोगे ना, तो जिस तरह से हमारे बालों के लिए सूट नहीं करता है गर्म पानी, वैसे ही मेकअप ब्रिसल्स, चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे नेचुरल हेयर के बने हो, वो बहुत ज्यादा ड्राई कर देगा एंड डैमेज भी कर सकता है ब्रिसल्स को, और हार्डनेस आ जाएगी उनमें, सॉफ्टनेस उनकी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और अगर आप कोल्ड वाटर यूज करते हो, तो जो भी मेकअप ब्रशेस के ब्रिसल्स में प्रोडक्ट एक्यूमुलेटेड है, बिल्डअप है, वो प्रॉपरली रिमूव नहीं होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इंग्रेडिएंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये टोटली ऑप्शनल है और ये इस तरह की बॉटल आपको मिल जाएगी इजिली लोकल मार्केट में। मैंने इसे परचेज किया था 10 रुपीज में, आपको 10 to 15 रुपीज के अराउंड ये मिल जाएगी, बट मैं इसे अभी इस स्टेप में यूज नहीं करूंगी, मैं बाद के लिए इसे बचा के रखूंगी। आपने देखा होगा मैनिक्योर एंड पेडिक्योर में इसका यूज होता है, जब हम अपने हाथों पैरों को डिप करके रखते हैं ना, ये बहुत अच्छी तरह से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है एंड जो भी जर्म्स फंगस होती है, बैक्टीरियाज होती है, उन्हें किल करता है। सो ये सैनिटाइज करने के लिए, डिसइन्फेक्ट करने के लिए काफी अच्छी तरह से वर्क करता है। आप चाहो तो इसकी 3 to 4 drops इसमें ऐड कर सकते हो, बट मैं इसे बाद में यूज करना प्रेफर करती हूँ। टडा, हमारा DIY मेकअप ब्रश क्लींजर रेडी है। और अब मेकअप ब्रशेस को क्लीन करने से पहले एक बार जरा हम ध्यान दे लें कि मेकअप ब्रश का स्ट्रक्चर होता कैसा है। सो एज यू ऑल नो दैट, ये होते हैं ब्रिसल्स, काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये नेचुरल हेयर के भी हो सकते हैं एंड सिंथेटिक भी हो सकते हैं, एंड जो हमने क्लींजर रेडी किया है ये दोनों तरह के ब्रिसल्स के लिए सुटेबल है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हार्श तो नहीं होगा या प्रॉपरली क्लीन होगा या नहीं एंड ऑल। जो ये सेक्शन होता है ये वुडन का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, एंड ये कहलाता है बैरल और फेरल। यहाँ पर ग्लू होता है ब्रिसल्स एंड फेरल के बीच में, एंड हैंडल और फेरल के बीच में ग्लू होता है। सो जब हम मेकअप ब्रशेस को क्लीन करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेकअप ब्रशेस है हमारा वो कम्प्लीटली पानी में डिप ना हो। जब भी मेकअप ब्रशेस को डिप करना होता है या सोक करना होता है इस सोपी वाटर में, मैं क्या करती हूँ, एक ग्रुप बना लेती हूँ, एक बंच बना लेती हूँ सिमिलर ब्रशेस का। मेकअप ब्रशेस के ब्रिसल्स की लेंथ इक्वल हो या आस पास हो तो मैं उनका एक ग्रुप बना लेती हूँ, और इनके अकॉर्डिंग लिया है मैंने बाउल में 2 to 3 centimeters तक वाटर ही, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगी ताकि मेरे मेकअप ब्रशेस अच्छी तरह से डिप हो जाए। हल्का सा ये फेरल टच कर सकते हैं, अदरवाइज इससे ऊपर मैं नहीं लूंगी वाटर लेवल। देन नेक्स्ट ग्रुप में मैं क्लीन करूंगी इस तरह के छोटे ब्रशेस को, लाइक जो मेरे पास आई मेकअप ब्रशेस है, इस तरह का ब्लेंडिंग ब्रश, स्मजर ब्रश, एंगल लाइनर ब्रश हो गया, स्मॉल कंसीलर ब्रश और शेडर ब्रश, इस तरह के। तो इनके लिए जो मैं वाटर लेवल रखूंगी वो 1 centimeter और 1.5 centimeter के अराउंड ही रखूंगी, इससे ज्यादा नहीं, ताकि ब्रिसल्स अच्छी तरह से डिप हो पाए। और मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सोक नहीं करती हूँ, मैक्सिमम 30 seconds तक ही इन्हें सोक करती हूँ, अदरवाइज मैं बहुत ही हल्के हाथों से इन्हें 30 seconds के अराउंड तक स्वर्ल करती हूँ। मेकअप ब्रशेस को क्लीन करने के लिए आप चाहें तो इस तरह के सिलिकन मेकअप ब्रश क्लींजर का यूज कर सकते हैं, ये स्टिक वर्की का मैंने लिया था इस तरह का, आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्ट्रक्चर्ड है, इसमें डॉट्स हैं, इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको मिल जाएंगी, काफी डिफरेंट डिजाइन पैटर्न के यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से हेल्प करते हैं मेकअप ब्रश के ब्रिसल्स को क्लीन करने में। इस तरह के टूल्स आपको काफी ढेर सारे ब्रांड्स में मिल जाएंगे, लोकल मार्केट में भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप चाहें तो सिलिकन ब्रश एग यूज कर सकते हैं, सिलिकन क्लींजिंग मैट्स भी अवेलेबल है लोकल भी और ऑनलाइन भी, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के क्लीनिंग टूल्स नहीं है ना, तो आप अपने पाम का भी यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको पहले सोपी वाटर में इसे स्वर्ल करना है, देन इसके बाद आप अपने पाम में इस तरह से इसे स्वर्ल कर सकते हैं लाइट हैंड से, बहुत ही जेंटली आपको ये करना है, बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है, अदरवाइज जो ब्रिसल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। मेकअप ब्रशेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक आप देख सकते हो काफी फ्लफी सा है, तो इन्हें क्लीन करने के, इन्हें वॉश करने के तरीके भी अलग होते हैं।
इस तरह के जो मेकअप ब्रशेज होते हैं लाइक फ्लैट टॉप ब्रश, फाउंडेशन ब्रश, बफिंग ब्रश जिसे आप बोलते हो, इस तरह का ब्लश ब्रश, कॉन्टूर ब्रश या पाउडर ब्रश, इस तरह के ब्रशेज को आप ना इस तरह से स्वर्ल कर सकते हो। और इस तरह के कंसीलर ब्रश और फ्लैट शेडर ब्रश को हम, आप देख सकते हैं इसके ब्रिसल्स किस तरह के हैं, फ्लैट है बिल्कुल, तो हम इन्हें स्वर्ल नहीं करेंगे क्लींजर में। इस तरह से आप देख सकते हैं बैक एंड फोर्थ हम क्लीन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइंस दी हुई है, जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इनकी हेल्प से काफी अच्छी तरह से ये क्लीन होते हैं। सो इस तरह का हमें बैक एंड फोर्थ मोशन अप्लाई करना है इन्हें क्लीन करने के लिए। इस तरह के आईब्रो ब्रशेज या मस्कारा ब्रशेज आपने देखे होंगे, स्पूली ब्रश इन्हें कहते हैं। कोई भी आपको सिंपल सा टूथब्रश ले लेना है, उसकी हेल्प से इन्हें जेंटली क्लीन करना है जिस डायरेक्शन में इनके ब्रिसल्स हैं। इसी तरह से फैन ब्रश को भी मैं बैक एंड फोर्थ मोशन में क्लीन करूंगी। एक ग्रुप के सभी ब्रशेस को क्लीन करने के बाद मैं साइड में रख लेती हूँ और उसके बाद मैं जाऊंगी इन्हें वॉश करने के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं इन्हें वॉश किस तरह से करना है। रनिंग टैब के अंदर मैं अपने मेकअप ब्रशेस को क्लीन करूंगी। मैं डबल क्लींजिंग करती हूँ ताकि मेरे ब्रशेस प्रॉपरली एंड डीपली क्लीन हो जाए। तो इस तरह के सिलिकॉन ब्रश क्लींजर में मैं थोड़ा सा और हैंड वॉश या बेबी शैम्पू में लूंगी एंड स्वर्ल करूंगी। देन वॉश करने के लिए इन्हें रनिंग टैब के अंदर मैं इस तरह से रखूंगी, हल्का सा टिल्टेड या अपसाइड डाउन आप रख सकते हैं, और हल्का सा स्वर्ल करते हुए आपको इस तरह से वॉश करना है। तो इनके अंदर जो भी शैम्पू या हैंड वॉश आपने यूज किया है इन्हें क्लीन करने के लिए, वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। आप इंश्योर कर सकते हो जब इनसे वाटर जो पास हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगे, क्लियर दिखाई देने लगे, दैट मींस कि आपका जो मेकअप ब्रश है वो कम्प्लीटली क्लीन हो गया है और कोई भी सोपी वाटर का रेसिड्यू इनके बीच में नहीं रह गया है। मेकअप ब्रशेज को वॉश करने के बाद इनमें जो एक्सेस वाटर है आपको स्क्वीज करना होगा, तो बहुत ही लाइट हैंड से जेंटली आपको इस तरह से इन्हें स्क्वीज करना है, पिंच करना है, तो जो भी एक्सेस वाटर होगा वो बाहर आ जाएगा। अगर आपको डीआईवाई क्लींजर नहीं बनाना है, आप यूज करना चाहते हो डायरेक्टली सोप, तो सबसे पहले आपको रनिंग टैब के अंदर इनके ब्रिसल्स को वेट करना है। देन फॉर एग्जांपल ये सोप है, सोप पे आपको इस तरह से स्वर्ल करना है। जब ये आपको लगे कि काफी अच्छी तरह से क्लीन हो रहे हैं ब्रिसल्स रनिंग टैब के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया वॉश करने का तरीका, सेम वही आपको करना होगा। मैं इंडिविजुअली ही मेकअप ब्रशेस को क्लीन करना प्रेफर करती हूँ, बट अगर आपके पास मेकअप ब्रशेस ज्यादा है या आपके पास टाइम काफी कम है, तो आप इस तरह से एक ग्रुप में, एक बंच में क्लीन कर सकते हैं। इन्हें सोक कर देना है सोपी वाटर में जो सॉल्यूशन हमने रेडी किया है, देन इस तरह से आप स्वर्ल कर सकते हो। एंड जैसा मैंने आपको बताया अंडर रनिंग टैप वॉश करने का तरीका, आपको वैसे ही वॉश कर लेना है, बट जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना वो इंडिविजुअली क्लीन करके ही मिलता है। मेकअप ब्रशेस के हैंडल को क्लीन करना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इन्हें क्लीन करने के लिए आप चाहें तो इस तरह से रनिंग टैप के अंडर रख सकते हैं। फेरल नहीं आना चाहिए और इनके बीच का जो ज्वाइंट है वो पानी में नहीं आना चाहिए, इतना आप इसे वॉश कर सकते हो। चाहे तो आप किसी कॉटन क्लॉथ की हेल्प से, आपको उसे हल्का सा वेट करना होगा, आप वाइप ऑफ कर सकते हो, या उससे भी बेस्ट मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो आप वेट पाइप्स का यूज कर सकते हो। एक वेट पाइप आपको यूज करनी होगी और सारे मेकअप ब्रशेस के हैंडल्स क्लीन हो जाएंगे। इन मेकअप ब्रशेस को वॉश करने के बाद मैं एक टॉवल की हेल्प से इन्हें पैड ड्राई करूंगी। मैं एयर ड्राई करती हूँ और किस तरह से करना है देख लीजिए। मैंने टॉवल लिया है एंड मेरे पास अभी एक ब्रश है, आप इस तरह से और भी ब्रशेस ले सकते हैं, तो इस तरह से इन्हें पैड ड्राई करना है जिससे इनका एक्सेस वाटर रिमूव हो जाएगा। इन्हें कम्प्लीटली ड्राई होने में काफी टाइम लगता है, तो मैं इन्हें रख दूंगी ओवरनाइट। अब इन मेकअप ब्रशेस को ड्राई करने के लिए टेबल पर मैं इन्हें बाहर की तरफ रखूंगी। फॉर एग्जांपल ये टेबल है एंड इस तरह से मैं ब्रशेस को प्लेस करूंगी ताकि जो इनके ब्रिसल्स है वो बाहर की तरफ निकले, चारों तरफ से इनमें हवा लगे और ये कम्प्लीटली ड्राई हो पाए और इनका शेप भी मेंटेन रहे। या फिर मैंने टेबल पे टॉवल की हेल्प से थोड़ी सी हाइट बना ली है, उसके ऊपर इसी तरह से मैंने मेकअप ब्रशेस को रखा हुआ है। दोनों ही तरीके मैंने आपको दिखाए हुए हैं, जो भी आपको इजी लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। जब ये मेकअप ब्रशेस थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, मैं इस तरह की कॉम यूज करती हूँ और इस तरह से इन्हें कॉम कर देती हूँ ताकि इनका जो शेप है वो भी मेंटेन रहे। सिमिलरली मैं फैन ब्रश के लिए भी करती हूँ। अब मैं इन्हें ओवरनाइट ऐसे ही रहने दूंगी ड्राई होने के लिए। आप चाहे तो इन्हें सन ड्राई भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप काफी अच्छी तरह से नॉर्मली एयर ड्राई करो। सन ड्राई अगर आपको करना है, धूप में रखना है, तो 10 टू 15 मिनट्स के लिए, मैक्सिमम 20 मिनट्स के लिए, क्योंकि मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे जो मेकअप ब्रशेस थे उनके ब्रिसल्स थोड़े से हार्ड होने लगे थे एंड हैंडल के जो कलर वगैरह थे वो सारे कुछ फेड होने लगे थे, एंड इस तरह के जो कलर्ड ब्रिसल्स होते हैं वो भी काफी फेड होने लगे थे। तो मैं इसे ओवरनाइट रख देती हूँ और नेक्स्ट डे 10 से 15 मिनट की धूप इन्हें दिखा देती हूँ, तो जो भी इनमें बैक्टीरियाज होते हैं वो किल हो जाते हैं एंड जो भी मैं अपना डीआईवाई डिसइंफेक्टेंट यूज करती हूँ उनकी स्मेल भी चली जाती है। इन मेकअप ब्रशेस को क्लीन कर लेने के बाद अब हम इन्हें डिसइंफेक्ट करेंगे। सो राइट आफ्टर वॉशिंग माय मेकअप ब्रशेस मैं इन्हें डिसइंफेक्ट करती हूँ। तो सबसे पहला हमारा डीआईवाई डिसइंफेक्टेंट है वो कुछ इस तरह से है।
इसके लिए मैंने एक बाउल में लिया है 1 कप ऑफ वाटर और इसकी जो वाटर लेवल है वो है 2 to 3 centimeter का। मैंने इतना ही लिया है कि मेरे मेकअप के ब्रशेस डिप हो जाए और अगेन मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना लूंगी सिमिलर ब्रशेस लेंथ वाले मेकअप ब्रशेस मैं एक साथ यूज करूंगी। डेटॉल का इंट्रोडक्शन देने की तो मुझे वैसे भी नीड नहीं है, आप सब जानते हैं डेटॉल एंटीबैक्टीरियल होता है, ये बहुत अच्छी तरह से जर्म्स को बैक्टीरिया को किल करता है एंड बैक्टीरियल ग्रोथ को भी काफी लॉन्ग टाइम तक रोक कर रखता है। इन्हें एटलीस्ट 15 to 20 seconds तक सोक करने या स्वर्ल करने के बाद मैं इनका एक्सेस वाटर रिमूव कर लूंगी जैसा कि आपने देखा, और इन्हें हमें वॉश नहीं करना है, मैंने रख दूंगी ड्राई होने के लिए। हमारा नेक्स्ट DIY डिसइंफेक्टेंट है विनेगर का। सेम प्रोपोर्शन में मैंने वाटर लिया है 1 कप ऑफ नॉर्मल वाटर और इसे मैंने मिक्स किया है 1 teaspoon ऑफ विनेगर। विनेगर में भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, ये जर्म्स को बैक्टीरिया को किल करता है एंड बैक्टीरियल ग्रोथ को काफी लॉन्ग टाइम तक होने से रोकता है। इस सॉल्यूशन में भी मैं अपने मेकअप ब्रशेस को सोक करूंगी या स्वर्ल करूंगी 15 to 20 seconds तक, देन हमें मेकअप ब्रशेस को वॉश कर लेना है जैसे कि मैंने ब्रिसल्स को वॉश किया था। आप में से काफी लोगों को डाउट हो रहा होगा कि जो विनेगर की बैड स्मेल है वो कब तक रहेगी, सो यस वो कुछ देर में ही चली जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह जाती है। एंड नेक्स्ट डे अगर आप थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट 10 to 15 minutes तक सन ड्राई कर देते हैं, धूप में रख देते हैं, तो वो कम्प्लीटली चली जाती है। जिनकी सेंसिटिव नोज है वो भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं, इसकी बैड स्मेल उनको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगी। हमारे थर्ड DIY डिसइंफेक्टेंट के लिए आपको नीड होगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, इजिली अवेलेबल होता है लोकल मार्केट में, इवन अगर आप शॉप करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी इसे बाय कर सकते हो। 1 cup ऑफ वाटर मैंने लिया है एंड इसमें मैं मिक्स करूंगी 3 to 4 drops ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बहुत ज्यादा नहीं 3 to 4 drops ही आपको लेना है। अगेन इसमें भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, फंगस जर्म्स बैक्टीरिया को ये किल करता है, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है ये। इस सॉल्यूशन में मैं डिप करूंगी या सोक रखूंगी अपने मेकअप ब्रशेस को 15 to 20 seconds तक, इसके बाद मुझे वॉश कर लेना होगा इन मेकअप ब्रशेस को। अगर आपको इनमें से कोई भी DIY डिसइंफेक्टेंट यूज नहीं करना है तो जो नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, चीपेस्ट है, इजीएस्ट एंड बेस्ट है। आपको क्या करना है, ओवरनाइट रख देना अपने मेकअप ब्रशेस को ड्राई होने के लिए, देन नेक्स्ट डे आप 10 to 15 minutes के लिए इन्हें धूप में रख दीजिए, सन ड्राई करना है आपको। धूप लगेगी, आपको तो वैसे ही पता है सन रेज कितनी ज्यादा पावरफुल होती है, तो जो भी इनमें जर्म्स एंड बैक्टीरियाज होंगे वो काफी अच्छी तरह से किल हो जाएंगे एंड जो बैड स्मेल का प्रॉब्लम भी रहता है, अगर कभी ऐसा हो कि आपके मेकअप ब्रशेस में बैड स्मेल आ रही है, आपसे क्लीन नहीं कर पा रहे हो, तो आप 5 to 10 minutes के लिए उनको धूप में रख दो तो भी आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है इन्हें क्लीन करने का। तो जब भी मुझे धूप में रखना होता है अपने मेकअप ब्रशेस को तो मैं इस तरह से रख देती हूँ या फिर अपने मेकअप ब्रशेस को मैं कपड़े की हेल्प से कवर कर लेती हूँ इस तरह से, सिर्फ इनके ब्रिसल्स में ही धूप लगनी चाहिए ताकि मेरे जो मेकअप ब्रशेस के हैंडल है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल एंड वाइब्रेंट है, ये बिल्कुल मैं नहीं चाहती कि फेड हो, तो मैं इस तरह से करती हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि हमें मेकअप ब्रशेस को कब कब क्लीन करना है, सो अगर आप डेली बेसिस पे यूज करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो फाउंडेशन ब्रश होते हैं, कंसीलर ब्रश होते हैं, आई स्मजर ब्रश होता है, आपने काजल स्मज किया हुआ होता है तो उसमें भी बेसिकली क्रीमी प्रोडक्ट होता है, तो every 2 to 3 days में आप उसे वॉश कर लो, क्लीन कर लो। आई प्रोडक्ट्स के लिए जो आप यूज करते हो ब्रशेस, उनको आप आफ्टर every 2-3 use आप क्लीन कर सकते हो, वॉश कर सकते हो। अगर आप ओकेजनली मेकअप ब्रशेस को यूज करते हो ना, जैसे शादी पार्टीज में आपको जाना है, उसके बाद आप आके ना उन ब्रशेस को क्लीन कर लो ताकि जब नेक्स्ट आपको यूज करना रहे तो वो रेडी टू यूज हो। और अगर आपको मेकअप ब्रशेस की डेली ही नीड होती है बट आपके पास टाइम ज्यादा नहीं होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वंस अ वीक आप इन्हें वॉश कर सकते हो, अपने वीकली रूटीन में आप मेकअप ब्रशेस की क्लीनिंग को इंक्लूड कर सकते हो। इन मेकअप ब्रशेस को कम्प्लीटली ड्राई होने में एटलीस्ट 8 hours तो लग ही जाते हैं, तो आप इतना प्रॉपर टाइम तो दीजिए इन्हें ड्राई होने के लिए। अब इसके बाद हमें इन्हें स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए क्या करना होगा, तो मेरे पास सिंपल से 5 tips हैं आपके लिए। आप इस तरह का चाहे तो मल्टीपर्पज स्टैंड यूज कर सकते हैं, आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएंगे, बहुत ही सुंदर से अट्रैक्टिव से। ये मेरा DIY है और इस तरह से मैं अपने मेकअप ब्रशेस को स्टोर रखती हूँ, तो इनके ब्रिसल्स भी जो है वो उनका शेप मेंटेन्ड रहता है एंड देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं ये। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं इस तरह के बॉक्सेस, आप चाहे तो प्लास्टिक कंटेनर या मेटल कंटेनर यूज कर सकते हैं, तो इसमें आपके मेकअप ब्रशेस काफी अच्छी तरह से सेफ भी रहेंगे एंड डस्ट फ्री भी रहेंगे। ये अर्बन डिके का Naked 3 मेकअप ब्रशेस का सेट था, तो इसके जो ब्रशेस हैं मैं इसमें ही स्टोर रखती हूँ लाइक दिस, तो आप इस तरह का कोई भी कंटेनर यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो इस तरह के हैं मेकअप पाउचेस,
तो इनकी भी हेल्प आप ले सकते हो। आपके मेकअप ब्रशेस काफी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रहेंगे, सेग्रीगेटेड रहेंगे, आपको अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक सेपरेट अगर आप पाउच बनाओगे तो काफी ट्रेवल फ्रेंडली भी होते हैं इस तरह के पाउचेस। नेक्स्ट है मेरे पास इस तरह के पाउचेस जो स्पेशली ब्रशेस के लिए बने होते हैं, आप इन्हें ब्रश रोल भी बोल सकते हो, ब्रश बुक भी कह सकते हो। सो ये इस तरह के ब्रश पाउचेस हैं, यहाँ पे काफी सारे होल्डर्स रहते हैं, आप इनमें फिक्स कर सकते हो मेकअप ब्रशेस को और काफी ज्यादा ट्रेवल फ्रेंडली हो जाते हैं। डस्ट से भी सेफ रहेंगे एंड इनका शेप भी मेंटेन रहेगा। इजिली इस तरह के पाउचेस को आप कैरी कर सकते हो अपने हैंड बैग में या ट्रेवलिंग बैग में। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है मेकअप ब्रश को स्टोर करने के लिए इस तरह के ब्रश होल्डर। ये आपको इजिली मिल जाएंगे लोकल मार्केट में भी और ऑनलाइन भी काफी डिजाइन प्रिंट एंड पैटर्न्स में अवेलेबल है ये। और इस तरह से आप देख सकते हो काफी अच्छी तरह से मेकअप ब्रशेस ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर रहते हैं, डस्ट फ्री रहते हैं और ट्रेवल फ्रेंडली होते हैं ये। आपके मेकअप ब्रशेस और जो इनके ब्रिसल्स है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। जो मेरे पास है वो है शाय स्टाइल्स एक्स कफ्स एंड लैशेस का मेकअप ब्रश होल्डर। अब देख लेते हैं मेकअप ब्रशेस की क्लीनिंग में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या आपको अवॉइड करना है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं। सो नंबर वन पे आता है, जब भी आप मेकअप ब्रश को क्लीन करो ना तो आपको हैंडल को ओवरलुक बिल्कुल भी नहीं करना है, हैंडल की क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज जब भी मेकअप ब्रशेस को क्लीन करने के लिए आप वो सॉल्यूशन रेडी कर रहे हो सोपी वाटर, आपको ल्यूक वार्म वाटर लेना है, गुनगुना पानी। गर्म आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठंडा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। यस, जब आप लास्ट रिंस दोगे ना तब आप कोल्ड वाटर का यूज कर सकते हो, तो उससे आपके ब्रशेस की जो ब्रिसल्स है उसकी कंडीशनिंग भी हो जाएंगी एंड काफी सॉफ्ट भी रहेंगे वो, उनमें ड्राइनेस बिल्कुल नहीं रहेगी। देन नेक्स्ट इज जब भी आप सोपी वाटर में ब्रश को डिप करो या सोक करो तो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको सोक नहीं रखना है। एंड जो वाटर लेवल मैंने आपको बताया उसका आपको खास ध्यान रखना है कि सिर्फ ब्रिसल्स आपके डिप होने चाहिए, इससे ज्यादा फेरल तक या बैरल तक वाटर लेवल नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज जिसमें ग्लू है वो वीक होने लगती है एंड थोड़ी सी फ्लफी होके स्वेल होके यू नो ब्रिसल्स की शेडिंग चालू हो जाती है। एंड कभी कभी ऐसा होता है अगर आप पूरा इन्हें डिप कर देते हो तो फेरल से हैंडल भी अलग हो जाते हैं और मेकअप ब्रशेस की लाइफ ज्यादा नहीं रहती है। सिमिलरली व्हाइल वॉशिंग दीज मेकअप ब्रशेस आपको पोजीशन ध्यान में रखनी होगी, हल्की सी टिल्टेड हो सकती है या अपसाइड डाउन हो सकती है। और एक और बात आपको ध्यान रखना होगा, इनसे लास्ट रिंस में जो वाटर पास हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो, ताकि इनमें कोई भी हैंड वॉश या शैम्पू का रेसिड्यू ना रहे, वो भी ब्रिसल्स को डैमेज करता है अदरवाइज। जो नेक्स्ट ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि जब भी आप इस तरह के क्लींजर यूज करें आपको स्वर्ल करते टाइम बहुत ही जेंटल रहना है, बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है, क्योंकि मेकअप ब्रिसल्स जब वेट होते हैं इनके ब्रिसल्स स्पेशली तो थोड़े से वीक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ तक पहुंच ही जाता है पानी ग्लू तक, उस टाइम ग्लू की ग्रिप थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है अदरवाइज शेडिंग चालू हो जाएगी इनकी। इन मेकअप ब्रशेस को क्लीन करते समय आपको कोई भी हार्श क्लींजर नहीं लेना है, आप माइल्ड और जेंटल फेस वॉश ले सकते हैं, बॉडी वॉश ले सकते हैं, आप शावर जेल ले सकते हैं, एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश अगर आप लेते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन है, उसके बाद तो आपको किसी भी डिसइंफेक्टेंट की नीड नहीं होगी। हार्श क्लींजर ब्रिसल्स की क्वालिटी को लो कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, इनमें जो सॉफ्टनेस होती है नेचुरली वो चली जाती है एंड काफी ज्यादा ड्राई एंड हार्ड हो जाते हैं ब्रिसल्स। जब तक आपके मेकअप ब्रशेस कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए उन्हें स्टोर मत कीजिएगा, उन्हें कम्प्लीटली ड्राई होने में कम से कम 8 घंटे लग जाते हैं, 8 आवर्स, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आप उन्हें टॉवल की हेल्प से पैड ड्राई कर सकते हैं जिससे एक्सेस वाटर निकल जाए, देन उसे आप नॉर्मली एयर ड्राई होने दीजिए ओवरनाइट। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपरली मिलते रहे, मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी लिंक्स मैंने मेंशन कर दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलना होगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।